चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा ने मीडिया पर इंतखाबात से मुतालिक मायूसी फैलाने वाले एंकर्स के खिलाफ कार्रवाई करने का हुक्म दे दिया। 90 दिन में इंतखाबात केस में अपने हुक्मनामे में चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा ने मीडिया पर इंतखाबात से मुतालिक मायूसी फैलाने वालों पर कार्रवाई का हुक्म दिया और कहा जिस एंकर को भी इंतखाबात वक्त पर ना होने का खदशा है वो जाती महफिलों या अहलिया के साथ बैठ कर गुफ्तगू करें। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज KSE 100 इंडेक्स 600 पॉइंट्स इजाफे के बाद 53,250 पॉइंट्स की सतह तक पहुंच गया जो मुल्क की तारीख में इंडेक्स की बुलंद तरीन सतह है। इससे पहले मई 2017 में स्टॉक मार्केट 53,127 पॉइंट्स पर पहुंची थी। स्टॉक मार्केट में इस वक्त खरीदारी का रुझान गालिब है। सुप्रीम कोर्ट ने 90 दिन में इंतखाबात कराने के केस में अपने तहरीरी हुक्मनामे में कहा है कि आईनी खिलाफ वर्जी का खमियाजा मुल्की इदारों और अवाम को भुगतना पड़ता है। अदम एतमाद के मौके पर इमरान खान का असेंबली तहलील करने का अख्तियार नहीं था, उन्होंने असेंबली तहलील करके आईनी बुहरान पैदा किया। और बलोचिस्तान के इलाके पसनी से और माड़ा जाने वाली सिक्योरिटी फोर्सेज की गाड़ियों पर दहशतगर्दों के हमले में 14 फौजी जवान शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक ग्वादर के इलाके और माड़म में सिक्योरिटी फोर्सेज पर दहशतगर्दों ने हमला किया। दहशतगर्दों की फायरिंग से 14 सिक्योरिटी अहलकार शहीद हो गए। दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी फोर्सेज की दो गाड़ियों को निशाना बनाया।